शेख उलिस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा है कि हुकूमत तरावी और जुमे की नमाज पर पाबंदी खत्म करे। वाटर बोर्ड लेबर फ्रंट यूनियन का लांडी कोरंगी ऑफिस में लीव इनकेशमेंट ना मिलने पर मुलाजमीन ने मुजाहरा किया। करेंगे फिर हम सेवरेज का निजाम भी बंद करेंगे और वाटर का निजाम भी बंद करेंगे। जमात इस्लामी अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के अमीर शाह अब्दुल कादरी का सिंध हुकूमत की पॉलिसी पर अफसोस का इजहार। लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना और मुजहिका खेज पॉलिसी पर सख्त अफसोस का इजहार करते हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत ने मसाजिद और मदारिस को बंद कर दिया। अइम्मा और खुतबा पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करके उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अफसोस कि सिंध हुकूमत ने विफाक के फैसलों को भी कबूल नहीं किया। कराची कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन नईम काजमी ने वजीर अला सिंध से तरक्याती कामों के फंड जारी करने का मुतालबा कर दिया। नामालूम अफराद ने वाटर बोर्ड हब रिजर्वायर पर काम करने वाले 3 अहलकारों को अगवा कर लिया। जबकि वाटर बोर्ड और पुलिस की कार्रवाई के बाद 3 अहलकारों को बाजियाब करा लिया। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी रमजान मुबारक में खाने खिलाने पर मजबूर हो गए। कोरोना वायरस के बचाव के लिए मास्क फरोख्त करने वाले मैन शाहराहों पर मौत फरोख्त करने लगे। इनको रोकने वाला कोई नहीं।